अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी पॉइंट। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय इन थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि हमल की तीसरी सेमाही में लड़का पैदा होने की क्या अलामत हैं। जब भी कोई औरत माँ बनती है तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि वो अपने बच्चे का जेंडर जान ले, यानी कि वो एक लड़के की माँ बनने वाली है या फिर लड़की की। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ चंद ऐसी अलामत शेयर करूंगी जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप लड़के की माँ बनने वाली हैं। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि इसमें बताई जाने वाली मालूमात से आपको फ़ायदा मिल सके। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल प्रेगनेंसी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा एक ऐसी डार्क लाइन है जो आपकी नाफ से होती हुई सीने तक जाती है। तो जो औरत लड़के की माँ बनने वाली होती है तो ये एक आजमूदा सी बात है कि उसके पेट पर लीनिया नाइग्रा ज़रूर नमूदार होती है। तो अगर आपको भी ये डार्क लाइन यानी कि लीनिया नाइग्रा नज़र आए तो आप भी समझ जाएं कि आप लड़के की माँ बनने वाली हैं। फूड क्रेविंग्स यानी कि खाने की ख्वाहिशात। अगर आप लड़के की माँ बनने वाली हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खाने की ख्वाहिशात होती हैं और आपका मीठी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो अगर आपका भी मीठी चीज़ें खाने का दिल करे तो आप भी समझ जाएं कि आप एक लड़के की माँ बनने वाली हैं। टू मच स्लीप यानी कि बहुत ज़्यादा नींद का आना। बड़े बुज़ुर्ग यानी कि बड़ी ख़वातीन कहती हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती हो वो लड़के की माँ बनती है, यानी कि ये भी एक अलामत है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप लड़के की माँ बनने वाली हैं। इंक्रीज्ड यूरिनेशन यानी कि पेशाब का बढ़ जाना। अगर हमल के तीसरे सिमाही में आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो यानी कि आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हो तो ये भी एक अलामत है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप लड़के की माँ बनने वाली हैं। लोअर बेली पेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो और आपका हमल का तीसरा सिमाही चल रहा हो तो ये भी एक अलामत है कि आप लड़के की माँ बनने वाली हैं। नोज़ फ्रैकल्स यानी कि नाक पर छाइयाँ। अगर हमल के तीसरी सेमाही में आपके नाक पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ आ जाएं, तो ये भी एक अलामत है कि आप नन्हे शहजादे की माँ बनने वाली हैं। इंक्रीज्ड हार्ट बर्न यानी कि सीने की जलन का बढ़ जाना। अगर हमल की तीसरी सेमाही के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन हो और आप कुछ भी ना खा सकें तो ये भी एक अलामत है कि आप लड़के की माँ बनने वाली हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल प्रेगनेंसी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप सबसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।